खबर असरदार में बात पहाड़ों की करेंगे, जहां बर्फबारी लगातार जारी है। कई लोग तरसते भी हैं बर्फबारी के लिए, तो वहीं कुदरत ने सबकी मुराद पूरी कर दी। वादियों के साथ साथ सड़कों पर भी बर्फ की चादर चढ़ी हुई है। तीन पहाड़ी राज्यों में अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने से दिक्कतें भी खड़ी होने लगी हैं। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, हर तरफ सफेदी छाई हुई है। जम्मू कश्मीर हिमाचल की वादियां बर्फ से गुलजार हैं, वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है। इन 6 तस्वीरों में देखिए, ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ों पर हिमयुग लौट कर आ गया है। जहां तक नजर जाएगी बस बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद तो दूर दूर तक बस बर्फ ही बिछी हुई है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। श्रीनगर में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर 2 इंच से ज्यादा बर्फ जमी हुई है। सैलानियों की तो बहार ही आ गई, वो जमकर मस्ती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नज़ारा पहलगाम का नहीं, सोनमर्ग का नहीं, गुलमर्ग का नहीं, बल्कि श्रीनगर की सड़कों पर ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। लगभग 4 से 5 इंच की जो बर्फ है वो सड़कों पर जमा हो गई है। एक सफ़ेद मोटी चादर जो है बर्फ की वो बिछी हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, इसके लिए लोग दुआएं कर रहे थे। और जब से चिल्ला खुर्द की शुरुआत हुई है तब से ही मौसम बिल्कुल बदल गया है और उसी वक्त से जो है यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल रही है और आज भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। कश्मीर की ऊंची ऊंची वादियों में हर जगह बर्फ दिखाई दे रही है। इतने कठिन हालातों के बीच सेना के जवान एक गर्भवती महिला के लिए देवदूत बन गए। कुपवाड़ा में जवानों ने एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया, क्योंकि बर्फबारी से रास्ते बंद हो चुकी थी। देश के कोने कोने से सैलानी गुलमर्ग पहुंचे हुए हैं, वहीं विदेशी पर्यटक भी कश्मीर टूर पर आए हैं। स्कीइंग को लेकर रोमांच दिखाई दे रहा है। गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है और टूरिस्ट भी काफी खुश है और सभी लोग हैं जो मुंतजर थे आज तक बर्फबारी हो। और क्या कहेंगे आप इस हवाले से, टूरिज्म के हवाले से? गुलमर्ग जो है हमारी ये राउंड डेस्टिनेशन है और खासकर ये स्नोफॉल में विंटर में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पे हम जो स्कीइंग कराते हैं विंटर में उसके लिए काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हम लोग कराते हैं और हर कोई थ्रू आउट जम्मू कश्मीर और पूरे देश में स्नोफॉल का इंतज़ार कर रहा है। अनफॉर्चुनेट थोड़ा जनवरी में स्नोफॉल डिले हुआ, वी हैड ए गुड स्नोफॉल जैसे कि आप देख रहे। स्कीइंग भी आज हम लोगों ने शुरू किया, हमने इसकी पेट्रोल टीम भी डिप्लॉय की है हर जगह से एंड वी आर हैप्पी। रामबन की इस मनमोहक तस्वीरों को देखिए, बर्फ से दूर दूर तक सब ढक चुका है। पुलवामा में भी बर्फबारी को लोग तरस रहे थे। त्राल में भी हर तरह बर्फ ने डेरा जमाया हुआ है। बर्फबारी से जहां स्थानीय लोग खुशहाली की उम्मीद लगाए हुए हैं, तो वहीं खराब मौसम दिक्कतें भी पेश कर रहा है। लेह में बर्फ गिरने से हवाई और सड़क यातायात पर बड़ा असर पड़ा है। मीना मार्ग में 12 इंच बर्फबारी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के ऊंचाई वाले इलाकों में हर तरफ बर्फ ही नजर आ रही है। डलहौजी में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। शिमला में भी बर्फबारी से हर तरफ सफेद उजाला फैला हुआ है। काफी समय बाद लोगों की मन की मुराद पूरी हुई है। लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान -6 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं उत्तराखंड में भी मौसम की चाल पूरी तरह से बदल चुकी है। उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। चमोली के ग्रामीण इलाके भी बर्फ से ढके हुए हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। 1 दर्जन से ज्यादा गाँव पूरी तरह बर्फ से ढके हुए हैं। चकराता में सड़कों पर बर्फ ने घर बना लिया है।
यहां स्नो ब्लोवर मशीन से सड़क की बर्फ हटाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए इसी के साथ खबर असरदार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18।